नेड को मुख्य सभा से पता चलता है कि सम्राट ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है और शाही खजाना पहले से कर्ज में चल रहा है। फिर नेड की मुलाकात केटलिन से होती है और नेड केटलिन को वापस विंटरफेल जाने का आदेश दे देता है। वहीं वॉल पर टिरियन और लॉर्ड मॉर्मोंट की बात होती है, जहां वो नाइट्स वॉच की जरूरतों के बारे में बताते हैं। आर्या अपने तलवारबाजी का प्रशिक्षण शुरू करती है और डैनी अब गर्भवती हो चुकी थी। अब आगे, यहाँ विंटरफेल के किले में ब्रैन अपने भाई रिकॉन को नीचे खेलते देख सकता था। रिकॉन को दौड़ता हुआ देख ब्रैन को बुरा लग रहा था और वो सोचता है कि सपने में उस कौवे ने झूठ कहा था कि अब मैं उड़ सकता हूँ। उड़ना तो छोड़ो, मैं तो चल भी नहीं सकता। तभी ब्रैन की आवाज सुनकर ओल्ड नैन कहती है, कौवे झूठे होते हैं, मैं इस पे एक कहानी सुना सकती हूँ। ब्रैन गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी, वैसे भी वो सब बेकार होते हैं। ओल्ड नैन कहती है, मेरी कहानी? नहीं मेरे लॉर्ड, ये मेरी कहानी नहीं होगी, ये कहानी मुझसे भी पहले की है। अब ओल्ड नैन कभी भी ब्रैन को उतनी पसंद नहीं थी, वो इतनी बूढ़ी थी कि कोई नहीं जानता था कि उनकी उम्र कितनी है। नेड बताते थे कि उन्हें ओल्ड नैन तब से कहा जा रहा है जब वो खुद एक बच्चा हुआ करता था। ओल्ड नैन के परिवार में अब कोई भी नहीं बचा था सिवाय होडोर के। तभी ब्रैन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किसकी कहानियां हैं। ब्रैन इस वक्त इतना चिढ़ा हुआ था कि उसे बस अपने माता पिता वहां चाहिए थे। वो बाहर जाके अपने डायर वुल्फ समर के साथ खेलना चाहता था, वो घुड़सवारी करना चाहता था, ब्रोकन टावर में चढ़ना चाहता था, वो सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह करना चाहता था। ब्रैन ये जानता था कि अब चीजें पहले की तरह नहीं रही। सपने में उस कौवे ने ब्रैन से झूठ बोला कि वो उड़ सकता है, जबकि अब वो बस एक अपाहिज से ज्यादा कुछ नहीं था। सबने उसे छोड़ दिया, उसके पिता, उसकी माँ, यहाँ तक कि उसका नाजायज भाई जॉन भी। माइस्टर ल्यूविन ने सभी को संदेश भिजवाया, पर किसी भी संदेश का कोई जवाब नहीं आया था। अब विंटरफेल ब्रैन को एकदम सूना सूना लगने लगा था। कोई बाकी रह गया था तो वो थे रॉब और बेबी रिकॉन। पर रॉब भी अब पहले की तरह नहीं रहा था, अब वो लॉर्ड रॉब बन चुका था। उसका सारा वक्त सभा में नहीं तो सैनिकों को प्रशिक्षण देने में बीतता था। कभी कभी रॉब हैलिस मॉलन के साथ दौरों पर भी जाया करता था, और जब भी रॉब एक दिन से ज्यादा के लिए बाहर जाता था, तब रिकॉन ब्रैन के पास आकर रोने लगता था कि रॉब कब वापिस आएगा। यहाँ तक कि रॉब अब जब घर पे भी होता था तो ज्यादातर वक्त वो हैलिस मॉलन और थियोन ग्रेजॉय के साथ काम में व्यस्त रहता था। तभी ओल्ड नैन कहती है कि वो ब्रैन को ब्रैंडन द बिल्डर की कहानी सुना सकती है, जो कि ब्रैन को काफी पसंद थी। अब हजारों साल पहले ब्रैंडन द बिल्डर ने विंटरफेल का निर्माण किया था और शायद दी वॉल का भी, पर ओल्ड नैन हमेशा किसी अलग ही ब्रैंडन की कहानी सुनाती थी, इसलिए अब ये कहानियां ब्रैन को पसंद आनी बंद हो गई थी। इसलिए ब्रैन कहता है, मुझे वो कहानियां पसंद नहीं है, मुझे दूसरी कहानियां पसंद है, जैसे डरावनी वाली। ओल्ड नैन कहती है, ओ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या पता डर क्या होता है। मेरे छोटे मालिक, डर का एहसास तो सर्दियों में होता है, जब 100 फीट गहरी बर्फ गिरती है और बर्फीली सर्द हवाएं उत्तर की तरफ से शोर करती हुई आती है। डर का एहसास उन लंबी रातों में होता है जब सूरज सालों तक बादलों के पीछे छुप जाता है, और बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर भी जाते हैं, पर वो अपनी जिंदगी में कभी सूरज का मुंह नहीं देख पाते। ऐसी सर्दियों में डायर वुल्व्स और खूंखार और भूखे हो जाते हैं अपने शिकार की तलाश में, और जंगलों में व्हाइट वॉकर्स का बसेरा हो जाता है। आज से हजारों साल पहले जब विंटरफेल एक कठोर और ठंड से जमा देने वाली जगह हुआ करती थी, तब ऐसी सर्दियां आई थी जो अगले 25 सालों तक चली थी। सारे राजा अपने किलों में ही ठंड के कारण मारे गए। माएं अपने बच्चों को अपने ही हाथों से मार डालती थी ताकि वो भूख से ना मरे, और फिर उनके आंसू उनके ही चेहरों पर जम जाते थे। तो मेरे बच्चे, क्या तुम ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हो? ब्रैन कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओल्ड नैन आगे कहती है, उन अंधेरी रातों में ही व्हाइट वॉकर्स सबसे पहले आए थे। वो ठंडे मरे हुए लोग, उन्हें आग, लोहे और सूरज से नफरत था, और हर उस जीव से उन्हें नफरत था जिनके रगों में गर्म खून बहता था। वो एक के बाद एक शहर और कस्बे उजाड़ते चले गए, कई राज्य उनकी ताकत के आगे नष्ट हो गया, कितने ही योद्धा और सेनाएं उनके आगे धूल में मिल गए। वो शैतान सफेद मरे हुए घोड़ों की सवारी करते थे और मुर्दों की सेना बनाते जाते थे। सभी रियासतों की तलवारें भी उन्हें नहीं रोक पा रही थी। मर
मर्द तो मर्द, वो औरतें और नवजात बच्चों तक को नहीं बख्शते थे। वो जंगलों में औरतों का शिकार करते थे और अपने सैनिकों को इंसानी बच्चों का मांस खिलाते थे। ये जो दौर था वो एंडल्स के आने से पहले का दौर था। ये वो दौर था जब औरतें रॉइन के शहरों को छोड़कर नैरोसी के पार नहीं गई थी और उस वक्त की 100 रियासतें फर्स्ट मैन का साम्राज्य कहलाती थी। वो फर्स्ट मैन जिन्होंने इस जमीन को चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट से पाया था। इतने कठिन समय और इतने नरसंहार के बाद भी फर्स्ट मैन की संतानें छिपकर पहाड़ों के अंदर घर बनाकर रहा करते थे। बाहर सिर्फ ठंड और मौत का सन्नाटा छाया रहता था। तभी एक जांबाज तैयार होता है कि वो बाहर जाएगा और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट से मदद की गुहार करेगा ताकि उनका जादू वो काम कर सके जो इंसानों की तलवार नहीं कर पाए थे। वो जांबाज निकल पड़ा एक सफर पर, एक सफर जिसमें उसके साथ सिर्फ उसकी तलवार, उसका घोड़ा, एक कुत्ता और कुछ लोग थे। वो सालों तक उन्हें ढूंढता रहा पर कोई नहीं मिला। धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे दोस्त मारे गए, फिर उसका घोड़ा और अंत में उसका कुत्ता भी दम तोड़ दिया। उस जांबाज की तलवार भी ठंड से जमकर चूर चूर हो गई थी और व्हाइट वॉकर्स को उस जांबाज के खून का गंध लग चुका था। वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो शांत ठंडे जीव उस पे अपनी निगाहें गड़ाए रहते हैं। अब ओल्ड नैन कहानी सुना ही रही थी, ब्रायन के कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और मास्टर ल्यूविन आकर कहते हैं, आपसे कोई मिलने आया है और आपको हमारे साथ चलना होगा। ब्रायन कहता है, कौन आया है? मास्टर कहते हैं, टिरियन लैनिस्टर, उसके साथ नाइट्स वॉच के कुछ लोग भी हैं। वो कह रहे हैं कि उसके पास जॉन का संदेश भी है। आपके भाई रॉब अभी उनसे ही मिल रहे हैं और होडोर आपको हॉल तक ले जाने में मदद कर देगा। अब होडोर आगे बढ़ता है और ब्रायन को उठा लेता है। होडोर तकरीबन 7 फुट का था। उसका असल नाम तो वॉल्डर था पर पता नहीं उसने ये होडोर शब्द कहां से सीखा, पर जब से वो इस एक शब्द को रटना शुरू किया लोग उसे उसी नाम से बुलाने लगे। जब ब्रायन हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि रॉब अपने पिता की गद्दी पर बैठा हुआ था। हैलिस और थियोन ग्रेजॉय भी वहीं थे। हॉल के बीच टिरियन अपने सेवकों और नाइट्स वॉच के 4 लोगों के साथ खड़ा था। ब्रायन सभा के उस खराब मिजाज को महसूस कर सकता था। रॉब कहता है, नाइट्स वॉच के किसी भी भाई के लिए विंटरफेल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब जब रॉब ये सब कह रहा था तब उसकी तलवार म्यान से बाहर थी। ब्रायन भी जानता था कि एक तलवार के साथ मेहमानों की अगुवाई करने का क्या मतलब होता है। टिरियन कहता है, नाइट्स वॉच का कोई भी, यानी कि मेरा नहीं, क्या तुम्हारी बातों का मैं यही मतलब निकालूं लड़के? रॉब उठकर कहता है, जब तक मेरे माता पिता यहाँ नहीं हैं, मैं यहाँ लॉर्ड हूँ लैनिस्टर, तुम्हारा कोई लड़का नहीं। टिरियन कहता है, तो अगर तुम एक लॉर्ड हो तो तुम्हें एक लॉर्ड जैसा तहजीब भी आना चाहिए, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे नाजायज भाई के पास तुमसे ज्यादा तमीज है। तभी ब्रायन पीछे से कहता है, जॉन? टिरियन पलटकर ब्रायन को देखता है और कहता है, यानी कि ये सच है, तुम जिंदा हो, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम स्टार्क्स जल्दी नहीं मरते। रॉब कहता है, और तुम लैनिस्टर्स हमेशा इस बात को याद रखना, होडोर मेरे भाई को यहाँ ले आओ। होडोर ब्रायन को रॉब के बगल वाले गद्दी पर बिठा देता है। रॉब कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे भाई से मिलना चाहते थे लैनिस्टर, लो आ गया वो। टिरियन कहता है, मुझसे ये कहा गया था कि तुम चढ़ाई में बड़े माहिर थे लड़के, तो जरा मुझे बताओ कि तुम उस दिन गिर कैसे गए? तभी पीछे से मास्टर ल्यूविन बताते हैं कि ब्रायन को उसके गिरने और उस चढ़ाई के बारे में कुछ भी याद नहीं है। टिरियन को ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है। तभी रॉब कहता है, मेरा भाई यहाँ किसी सवाल जवाब के लिए नहीं आया है, अपना काम बताओ और अपने रास्ते चलते बनो लैनिस्टर। टिरियन कहता है, मेरे पास एक तोहफा है, क्या तुम्हें घुड़सवारी पसंद है? मास्टर ल्यूविन टिरियन से कहते हैं कि ब्रायन अपनी दोनों टांगे गवा दिया है, इस वजह से वो घुड़सवारी कभी नहीं कर सकता। टिरियन कहता है, ये सब बकवास है, एक सही घोड़े और एक सही काठी के साथ एक अपाहिज भी घुड़सवारी कर सकता है। अब ये शब्द ब्रायन को खंजर की तरह चुभ गई। वो आंसू भरी नजरों के साथ जोर से चीखा, मैं अपाहिज नहीं हूँ। टिरियन कहता है, अच्छा तब तो मैं बौना नहीं हूँ, है ना? मास्टर ल्यूविन पूछते हैं कि टिरियन किस तरह की घोड़ी और काठी की बात कर रहा है। टिरियन कहता है, एक समझदार घोड़ा, ये लड़का अपने पैर इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसके घोड़े को इसकी आवाज को पहचानना सिखाइए। टिरियन अपने कमर से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और मास्टर ल्यूविन को देते हुए कहता है, ये अपने बढ़ई को दे दीजिएगा, बाकी वो संभाल लेगा। मास्टर ल्यूविन उस कागज को थोड़ी देर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, इससे काम बन जाएगा माय लॉर्ड, आपने कमाल का सोचा है। टिरियन बताता है कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो खुद उस तरह का काठी इस्तेमाल करता है घुड़सवारी के लिए। ब्रायन खुशी से पूछता है, क्या मैं सच में घुड़सवारी कर पाऊंगा? टिरियन कहता है, बिल्कुल,
और मैं सच कह रहा हूँ लड़के, घोड़े पे बैठने के बाद तुम भी बाकी सब की ही तरह दिखोगे। अब ये सब देखकर रॉब हैरान था। वो टीरियन से पूछता है कि कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं, वो ब्रैन के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। टीरियन कहता है, क्योंकि तुम्हारे भाई जॉन ने मुझसे ये करने को कहा था, और वैसे भी मेरे दिल में एक अलग जगह है बौने, अपाहिज और नाजायजों के लिए। तभी रिकॉन वहां आ जाता है समर, शैगी डॉग और ग्रेविंड के साथ। वो डायर वुल्फ्स टीरियन को देखते ही उस पे झपट पड़ते हैं। ब्रैन और रॉब अपने डायर वुल्फ्स को वापस बुला लेते हैं और बाद में रिकॉन भी अपने डायर वुल्फ को वापस बुला लेता है, और इस बात से रॉब भी डर गया था। वो कहता है, माफ करना पर मैं भी समझ नहीं पा रहा कि इन्होंने तुम पर हमला क्यों किया। तभी टीरियन उठकर कहता है, कोई बात नहीं लड़के, पर अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। तभी मास्टर ल्यूमिन रॉब के कानों में कुछ कहते हैं और रॉब टीरियन से कहता है, तुमने मेरे भाई ब्रैन की मदद की है लैनिस्टर, इसके लिए विंटरफेल तुम्हारा आभारी है। टीरियन कहता है, इस झूठी मेहमान नवाजी की कोई जरूरत नहीं लड़के, मैंने वैसे भी विंटरफेल के बाहर एक कस्बे में एक सराय देख रखा है, मैं और मेरे लोग वहीं रुक जाएंगे ताकि तुम और मैं दोनों चैन से सो सके। इतना कहकर टीरियन वहां से चला जाता है, पर नाइट्स वॉच के चारों लोग किले में ही रुक जाते हैं। वहीं होडोर भी ब्रैन को उसके कमरे में वापस ले आता है। कमरे में आने के बाद ब्रैन इस बात से काफी खुश था कि अब वो दोबारा से घुड़सवारी कर पाएगा, और यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। ब्रैन एक काफी बुरा सपना देख रहा होता है जहां वो एक अंतहीन टावर पर चढ़े जा रहा था। डर के मारे उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सामने होडोर को देखता है। होडोर उसे उठाकर नीचे हॉल में ले जाता है जहां रॉब और नाइट्स वॉच के चारों लोग रात का खाना खा रहे थे। होडोर ब्रैन को भी रॉब के बगल में बिठा देता है। रॉब नाइट्स वॉच के तरफ से आए योरन से अपने अंकल बेंजन के बारे में पूछता है। नाइट्स वॉच के चारों लोग शांत हो जाते हैं। रॉब उनसे पूछता है, क्या हुआ, वो सब चुप क्यों हो गए। योरन कहता है, ये एक कठोर समाचार है माय लॉर्ड, पर आपने पूछ ही लिया है तो जवाब तो देना ही होगा, स्टार्क जा चुका है। तभी नाइट्स वॉच का दूसरा बंदा कहता है, कमांडर मॉर्मोंट ने उन्हें वेमर रॉयस को ढूंढने के लिए भेजा था, पर उनके गए बहुत वक्त बीत गया है। योरन कहता है, बहुत ज्यादा, शायद वो अब तक मर चुका होगा। ये सुनते ही रॉब गुस्से से उठता है और कहता है, मेरे अंकल मरे नहीं है, सुना तुमने। नाइट्स वॉच के एक बंदे ने कहा, वॉल के उस तरफ का हॉन्टेड फॉरेस्ट को बेंजन से बढ़िया कोई नहीं जानता, वो अपना रास्ता शायद जरूर ढूंढ लेंगे। ये सब सुनते ही ब्रैन के दिमाग में ओल्ड नैन की सुनाई कहानियां दौड़ने लगी। उसने कहा, वो उनकी मदद करेंगे, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट, वो अंकल की मदद जरूर करेंगे। मास्टर ल्यूमिन ब्रैन से कहते हैं, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट हजारों साल पहले मर चुके हैं माय लॉर्ड, सारे के सारे। योरन कहता है, यहाँ के लिए ये सच है मास्टर, पर वॉल के उस पार आपको कब कौन जिंदा दिख जाए कहा नहीं जा सकता। उस रात खाने के बाद रॉब ने खुद ब्रैन को उसके कमरे में ले गया। रॉब ने ब्रैन से कहा कि वो जल्दी उसके लिए एक घोड़ा ढूंढ लेगा। ब्रैन रॉब से पूछता है कि क्या माँ और पिताजी वापिस आएंगे। रॉब कहता है कि वो बिल्कुल वापिस आएंगे और तुम उनसे घोड़े पे सवार होकर मिलना, फिर हम दोनों साथ मिलकर वॉल पर जाएंगे जॉन से मिलने, बड़ा मजा आएगा। ब्रैन भी हल्की आवाज में कहता है, हाँ मजा आएगा, पर वो जानता था कि रॉब ये सब कहते हुए रो रहा है। यहाँ किंग्स लैंडिंग में नेड मास्टर पाइसेल से मिलने जाते हैं। मास्टर नेड को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। किंग्स लैंडिंग की गर्मी इतनी तेज होती है कि नेड अपने कपड़ों को अपने बदन से चिपकता हुआ महसूस कर सकता था। मास्टर पाइसेल नेड और खुद के पीने के लिए कुछ ठंडा मंगवाते हैं। तब तक मास्टर पाइसेल नेड को पुराने वक्त की गर्मियों के बारे में बता रहे होते हैं जब किंग मेकार के वक्त सबसे भीषण गर्मी पड़ी थी। ठंडाई आने के बाद मास्टर नेड से कहते हैं, आपने लॉर्ड एरिन के बारे में पूछा था, अगर मैं सच कहूँ लॉर्ड स्टार्क तो पिछले कुछ वक्त से लॉर्ड एरिन पहले की तरह नहीं लग रहे थे। मैं मानता हूँ कि इतना काम संभालना, पूरे रियासत का भार उठाना, साथ ही जब उनका बेटा बीमार रहता था और उनकी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी, इतना चिंता किसी भी इंसान को कमजोर कर देती है माय लॉर्ड। ऊपर से लॉर्ड एरिन कोई नौजवान भी नहीं थे तो वो बड़े थके हुए लगते थे। नेड पूछता है, आप उनके तबीयत के बारे में कुछ बता सकते हैं। अब ग्रैंड मास्टर कुछ याद करते हुए कहते हैं, एक शाम वो मुझसे मिलने आए थे, वो किसी किताब के बारे में पूछने आए थे। उस वक्त वो काफी तंदुरुस्त थे, पर मैंने उन्हें वो किताब दी और अगले ही दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। मास्टर कुलमन को लगा कि लॉर्ड एरिन का हाजमा बिगड़ गया है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा हो, पर जब हालात नहीं सुधरे तब मैं खुद उनके इलाज के लिए गया, पर मैं उन्हें बचा ना सका। नेड पूछता है, आपने मास्टर कोलमन को कहीं भेज दिया है, मैंने ऐसा सुना है। ग्रैंड मास्टर धीरे से सर हिलाते हुए कहते हैं, मैंने ऐसा किया था माय लॉर्ड, कोलमन मेरे लिए बेटे के समान है,
उसकी काबिलियत किसी से कम नहीं, पर नौजवान होने की वजह से कभी कभार नाजुक हालात को वो समझ नहीं पाता। लेडी लाइसा उस पर ना भड़क जाए, इसलिए मैंने कोलमन को यहाँ से निकालना सही समझा। नेड आगे पूछता है, क्या लॉर्ड एरिन ने मरने से पहले आपसे कुछ कहा था? पाइसल थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, अपने आखिरी वक्त में लॉर्ड एरिन बार बार रॉबर्ट कहे जा रहे थे, पर वो सम्राट की बात कर रहे थे या अपने बेटे की कहा नहीं जा सकता। लेडी लाइसा अपने बेटे को लॉर्ड एरिन के नजदीक भी जाने नहीं देती थी ताकि उनका बेटा भी कहीं बीमार ना हो जाए, पर सम्राट लॉर्ड एरिन से मिलने जरूर आए थे। वो लॉर्ड एरिन का हौसला बढ़ाने की बड़ी कोशिश करते थे। नेड पूछता है, क्या सच में लॉर्ड एरिन के कोई भी आखिरी शब्द नहीं थे? मास्टर कहते हैं, जब इलाज की सारी उम्मीद खत्म हो गई थी तब मैंने उन्हें मिल्क ऑफ पॉपी दे दिया था माय लॉर्ड, ताकि उनकी तकलीफ कम हो सके। उन्होंने सम्राट और महारानी से कुछ तो कहा था, वारिस मजबूत है, ये शायद वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद उनकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा था, फिर अगली सुबह वो दम तोड़ चुके थे। नेड आगे पूछता है कि क्या लॉर्ड एरिन की मौत सामान्य थी, जिस पे मास्टर पाइसल कहते हैं कि उनकी मौत बिल्कुल सामान्य थी, जिसके बाद नेड उनसे पूछता है कि लॉर्ड एरिन को जिस तरह की बीमारी हुई थी, क्या उन्होंने कभी ऐसी कोई बीमारी देखी थी? मास्टर कहते हैं कि उन्होंने पिछले 40 सालों से पद को संभाल रखा है, उन्होंने अपने जिंदगी में कई बीमारियों को देखा है, इस वजह से ये याद रख पाना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं कि बहुत बार हालात एक जैसे होते हैं और लॉर्ड एरिन की मौत कोई अलग नहीं थी। नेड कहता है, पर उनकी पत्नी का तो कुछ और ही मानना है, जिसपे मास्टर कहते हैं कि लेडी लाइसा काफी वक्त से अलग बर्ताव कर रही थी माय लॉर्ड, फिर उनके पति का देहांत शायद उन्हें कमजोर कर दिया हो, जिसके बाद नेड पूछता है कि क्या आपको यकीन है कि लॉर्ड एरिन की मौत अचानक बीमार होने से हुई है? मास्टर कहते हैं, बिल्कुल माय लॉर्ड, और अगर बीमारी से ना भी हुई हो तो भी किस चीज के वजह से लॉर्ड एरिन की मौत हुई होगी? नेड कहता है, शायद जहर। इस पे मास्टर पाइसल घबराते हुए कहते हैं, ये काफी गंभीर विषय है माय लॉर्ड, वैसे आप जो कह रहे हैं वो मुमकिन तो है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। लॉर्ड एरिन को सब पसंद करते थे, उन्हें कौन जहर देना चाहेगा? नेट कहता है, मैंने सुना है कि जहर औरतों का हथियार है। पाइसल कहते हैं, हाँ, औरतें और किन्नर। लॉर्ड वैरिस लिस में पैदा हुए थे माय लॉर्ड, आप उनसे बच कर रहिएगा। अब लॉर्ड वैरिस से तो नेड को भी अजीब लगता था, वो पाइसल को शुक्रिया कहते हुए उठते हैं, पर जाते जाते पूछते हैं कि क्या वो उस किताब को देख सकता है जो लॉर्ड एरिन ने मास्टर पाइसल से मांगा था। पाइसल बताते हैं कि वो एक काफी बड़ा बही है, ग्रैंड मास्टर मेलियन का लिखा हुआ, जिसमें सभी घरानों का जिक्र है, आपको वो दिलचस्प नहीं लगेगा माय लॉर्ड? नेड फिर भी उस किताब को देखने की मांग रखता है। मास्टर पाइसल कहते हैं कि जैसे ही वो किताब उन्हें मिलता है वो उसे नेड के कार्यालय में पहुंचवा देंगे। नेड वहां निकलने ही वाला होता है कि उसे एक आखिरी सवाल याद आता है और वो मास्टर पाइसल से पूछता है कि जब लॉर्ड एरिन के आखिरी पलों में सम्राट उनके साथ थे तो क्या महारानी भी वहां मौजूद रहती थी? पाइसल बताते हैं कि महारानी और उनके बच्चे सभी कैस्टरली रॉक्स गए हुए थे और लॉर्ड एरिन के मौत का संदेश उन्हें महारानी को भिजवाना पड़ा था। इसके बाद नेड मास्टर पाइसल के कमरे से निकलकर अपने कार्यालय की तरफ जाने लगता है, तभी रास्ते में वो आर्या को अभ्यास करते हुए देखता है। आर्या नेड से पूछती है कि क्या ब्रैन अब यहां आएगा? नेड बताता है कि पहले ब्रैन को पूरी तरह ठीक होना होगा। आर्या कहती है कि ब्रैन बड़े होकर जरूर एक नाइट बनेगा, किंग्स गार्ड का। नेड साफ मना कर देता है कि ब्रैन अब कभी नाइट नहीं बन सकेगा, पर वो एक लॉर्ड के तरह राज कर सकता है और सम्राट की सभा का हिस्सा भी बन सकता है या एक हाई सेप्टन भी बन सकता है। आर्या पूछती है, क्या मैं सम्राट के सभा में बैठ सकती हूँ या एक हाई सेप्टन बन सकती हूँ? नेड मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक युवराज से शादी करोगी और फिर तुम्हारे बच्चे जरूर नाइट्स और लॉर्ड्स और हाई सेप्टन बन सकते हैं। आर्या कहती है, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये सब सांसा सोचती है। नेड वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। नेड जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है एक सैनिक बताता है कि लॉर्ड बेलिश नेड से मिलना चाहते हैं। नेड उन्हें अंदर ले आने को कहता है। नेड लिटिल फिंगर से कहता है, मुझसे यहां मिलने आने का कोई खास कारण लॉर्ड पेटिर? बेलिश कहता है, मैंने कैट से वादा किया था कि आपकी जांच पड़ताल में मैं मदद करूंगा, तो इसलिए मैं यहां आया हूं। नेड कहता है, आपके पास कुछ है? बेलिश कहता है, कुछ नहीं पर कोई है,
चार शख्स, अगर मैं साफ साफ कहूँ। क्या आपने कभी लॉर्ड एरिन के सेवकों से बात करने की सोची लॉर्ड स्टार? नेड कहता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि लेडी लाइसा सभी को अपने साथ ले गई है। बेलिश बताता है कि लाइसा सभी को लेकर नहीं गई है। जो चार लोग यहाँ रह गए हैं वो हैं, एक नौकरानी जिसकी शादी जल्दबाजी में लॉर्ड रेनली के एक सेवक से करवा दी गई है, अस्तबल में काम करने वाला एक लड़का है जिसने अब पहरेदारी की नौकरी ले ली है, एक माली है जिसे अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उसने कुछ चुराया था, और आखिरी वाला है खुद लॉर्ड एरिन का दास। नेड चौंक जाता है कि एक दास? अब ये जरूरी इसलिए था क्योंकि एक दास को अपने मालिक के हर बात की खबर होती है। नेड उससे मिलने की बात कहता है। लॉर्ड बेलिश बताते हैं कि उस दास का नाम सर ह्यू है और सम्राट ने उसे लॉर्ड एरिन के मौत के बाद नाइट के पद से सम्मानित कर दिया था। नेड कहता है, उसे संदेश भेज दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और बाकी तीनों के बारे में भी मुझे बताओ। लॉर्ड बेलिश नेड को खिड़की के पास बुलाते हैं और कुछ दिखाते हैं। नेड जैसे नजदीक पहुंचता है, बेलिश कहता है, आप इस बगीचे के उस तरफ बैठे उस लड़के को देख सकते हैं जो अपनी तलवार को संवार रहा है? नेड कहता है, हाँ। तो बेलिश कहता है, वो लॉर्ड वैरिस का गुप्तचर है। वैरिस आप और आपके हर एक हरकत पर नजर रखवाता है। अब पश्चिम पे मौजूद उस दीवार पे खड़े उस सिपाही को देख रहे हैं? नेड कहता है, उस किन्नर का एक और गुप्तचर? बेलिश कहता है, नहीं, वो महारानी को समाचार देता है। ध्यान दीजिए, वो वहाँ से खड़े खड़े इस पूरे जगह पर नजर रख सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ आपको कौन याद करता है। यहाँ सभी के गुप्तचर हैं, कुछ ऐसे जिनके बारे में खुद मैं भी नहीं जानता। तो अब आप समझे मैं केटलिन को वैश्यालय में क्यों रखवाया था। नेड के होश उड़ जाते हैं। वो बेलिश से पूछता है कि क्या इस शहर में सभी के जासूस हैं? बेलिश बताता है, लगभग सभी के। वो आगे नेड से पूछता है कि क्या वो अपने किसी आदमी पे भरोसा करता है? नेड हाँ में जवाब देता है, जिस पे बेलिश उसे समझाता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, किंग्स लैंडिंग में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नेड बेलिश को धन्यवाद करते हुए कहता है कि उसने गलत किया था उस पे भरोसा ना करके, जिस पे बेलिश कहता है, आप बातों को जरा धीरे समझते हैं लॉर्ड एडार्ड, मुझ पर विश्वास ना करना आपका सबसे समझदारी वाला फैसला था। यहाँ वॉल पर जॉन हमेशा की तरह सभी लड़कों को प्रशिक्षण दे रहा होता है, तभी एक बहुत ही मोटा सा लड़का कासल ब्लैक में लाया जाता है। पिप उसकी आवाज सुनकर बता देता है कि ये नया लड़का साउथ से आया है और किसी लॉर्ड की संतान है, शायद हाई गार्डन के पास से। उस नए लड़के के कोट के ऊपर जिस घराने का चिन्ह था उसे जॉन पहचान नहीं पा रहा था। तभी पीछे से सर एलिसर थॉर्न की आवाज आती है कि जब लोगों की कमी हो गई तो अब वो सुअरों को नाइट्स वॉच में भेजने लग गए हैं। सर एलिसर इस नए लड़के को हथियार खाने से तैयार होकर आने को कहते हैं और उन्होंने हाल्डर को आदेश दिया कि इस नए लड़के से एक बार लड़कर दिखाओ। वो लड़ाई एक मिनट भी नहीं चली और वो नया लड़का जमीन पर था और उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगा। ये देख सभी लड़के हंस पड़े। सर एलिसर नए लड़के को उठने का आदेश देते हैं पर वो उठ नहीं पा रहा था। सर एलिसर हॉल्डर को आदेश देते हैं कि इसे तब तक मारो जब तक ये खुद उठकर खड़ा नहीं होता। हॉल्डर उस नए लड़के को बुरी तरह पीटने लगता है। जॉन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो हॉल्डर को रुकने को कहता है। सर एलिसर कहते हैं कि यहाँ के हथियार खाने का संचालक मैं हूँ लॉर्ड स्नो, तुम नहीं। जॉन सर एलिसर की आवाज अनसुना करते हुए हॉल्डर को समझाता है कि इस नए लड़के ने हार मान ली है और एक हार मान चुके दुश्मन पे हमला करने का कोई मतलब नहीं होता। सर एलिसर इस बात से चिढ़ जाते हैं और वो बाकी दो लड़कों को हॉल्डर के साथ मिलकर जॉन पर हमला करने को कहते हैं। जॉन अब इस नए लड़के को बचाने की ठान चुका था। जॉन जानता था कि आज भी उसे अकेले लड़ना होगा, पर तभी पिप भी उसके साथ आ जाता है और थोड़ी ही देर में ग्रेन भी जॉन के साथ आ जाता है। तभी सर एलिसर हॉल्डर को हमले का आदेश दे ही पाते हैं कि जॉन लड़ाई शुरू कर चुका था। सारे लड़के आपस में भिड़ चुके थे। थोड़ी ही देर बाद इस लड़ाई से तंग आकर सर एलिसर सभी को जाने का आदेश दे देते हैं। सर एलिसर के जाने के बाद वो नया लड़का जॉन के पास आकर कहता है, मेरा नाम सैमुअल टार्ली है और मैं हॉर्नहिल से हूँ। मेरे पिता लॉर्ड रैंडिल हैं जो कि हाई गार्डन के हाउस टायरल के बैनर मैन हैं। जॉन भी उसे अपना परिचय देता है और उसके बाद बाकी लड़के भी उसे अपना परिचय देते हैं। ग्रेन सैम से कहता है, तुम उठे क्यों नहीं, तुम्हें लड़ना चाहिए था। सैम उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है कि वो उठना नहीं चाहता था, वो बस उठ नहीं पाया। सैम आगे बताता है कि वो कितना डरपोक है और उसके पिता उसे बस एक कायर मानते हैं। सैम की बातें सुनकर सभी दंग रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई खुद को कायर कैसे कह सकता है। सैम वहां से जाने लगता है। जॉन उससे कहता है कि कल वो अच्छा करके दिखा सकता है, जिसपे सैम पलट कर रोते हुए कहता है कि नहीं,
वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। सैम के वहाँ से जाने के बाद जॉन भी हथियार खाने की तरफ चला जाता है। अब कासल ब्लैक का हर दिन एक जैसा होता था, जहाँ सुबह का वक्त तलवारबाजी के लिए होती थी, फिर दोपहर में उन्हें दूसरे अलग अलग तरह के काम दिए जाते थे। नाइट्स वॉच में हर नए रंग रूट को अलग अलग काम दिया जाता था, ताकि ये देखा जा सके कि हर लड़का किस काम के लिए सही होगा। जॉन का ज्यादातर वक्त हथियार खाने में हथियारों को धार करने के काम में जाता था। उसके अलावा जॉन दूसरे कामों में भी हाथ बटा देता था। उस दिन दोपहर के काम के तौर पे जॉन को वॉल के ऊपर पत्थरों को बिछाने का काम दिया गया था। उस काम के साथ साथ जॉन सैमवेल के बारे में सोच रहा होता है कि अगर टीरियन यहाँ होता तो वो सैम के बारे में क्या कहता। उस दिन का काम खत्म करते हुए शाम हो चुका था और जॉन जब वॉल से नीचे आता है तो वो सीधा डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है। सभी लड़के वहाँ खाना खा रहे थे, पर आज जॉन हॉल के दूर दूसरे कोने में बैठे सैमवेल के पास जाता है। सैम घोस्ट को देखकर डर जाता है और जॉन से पूछता है कि क्या ये एक भेड़िया है। जॉन उसे बताता है कि ये एक डायर वुल्फ है और ये उसके घराने की निशानी भी है। सैमवेल बताता है कि उनके घराने का चिन्ह एक शिकारी है। जॉन सैम से पूछता है कि क्या तुम्हें शिकार करना पसंद है। सैम उसे बताता है कि उसे शिकार बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉन समझ जाता है कि यहाँ हॉल में बाकी सभी लड़कों की वजह से सैम डरा हुआ है। जॉन सैम को अपने साथ बाहर चलने को कहता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो सैम को वहाँ के ठंड का एहसास होता है और वो बताता है कि उसे ठंड से भी नफरत है। जॉन उसे कहता है, हाँ जहाँ से तुम आए हो वहाँ ठंड तो नहीं रहती होगी। सैम तब बताता है कि वो तो आज से एक महीने पहले तक बर्फ कभी देखा भी नहीं था। अब उनके सामने वॉल था। वॉल को देखकर सैम पूछता है कि क्या वो उसे इस वॉल पर चढ़ने को भी कहेंगे। जॉन उसे बताता है कि यहाँ पे एक डोली है जिसपे वो उन्हें ऊपर खींच लेंगे। सैम आगे बताता है कि उसे ऊंचाई से भी डर लगता है। अब जॉन का दिमाग खराब हो चुका था। वो सैम से गुस्से में पूछता है, क्या तुम्हें हर चीज से डर लगता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब तुम इतने डरपोक हो तो तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम जैसे कायर को नाइट्स वॉच में आने के बारे में किसने बताया? जॉन की बातों को सुनकर सैम रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ जॉन सैम को अपने अंकल के बारे में बताता है। जॉन बताता है कि उसके अंकल काफी वक्त से लापता है। उन्हें ढूंढने के लिए कई बार खोजी दस्ते भेजे गए पर उनका कोई खबर नहीं मिला। वॉल के उत्तर पश्चिम में मौजूद चट्टानी टीलों के बाद बेंजन के निशान अचानक से गायब हो जा रहे हैं और खोजी दल कोई सुराग नहीं खोज पा रहे हैं। उसके बाद जॉन सैम को अपने एक सपने के बारे में बताता है जो वो अक्सर हर रात नींद में देखता था। जॉन बताता है कि सपने में वो किसी को ढूंढ रहा होता है पर वो किला एकदम सुनसान रहता है। जॉन सपने में बड़ा डर जाता है और अंत में उसे एक सीढ़ी दिखती है जो सीधा नीचे तहखाने की ओर जा रहे होते हैं। जॉन के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है और वो तहखाने में उतरना शुरू करता है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है और हर बार वो इसी के बाद नींद से जाग जाता था। जॉन सैम से पूछता है कि क्या तुम अपने पुराने घर को सपने में देखते हो? सैम जॉन को बताता है कि वो अपने घर से नफरत करता है। इसके बाद सैम अपनी पूरी कहानी जॉन को सुनाता है और वो किस तरह यहाँ आया था। अब हम सैम की कहानी सुनने वाले हैं। हाउस टारली एक पुराना सम्मानित घराना था जो कि बैनर मैन है मेस टायरेल के, लॉर्ड ऑफ हाई गार्डन और वार्डन ऑफ द साउथ। सैमवेल लॉर्ड रैंडल टारली का बड़ा बेटा था। अब सैम के पिता उसके जन्म के वक्त काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, पर जैसे जैसे सैम बड़ा हुआ उसके पिता का गौरव शर्म में तब्दील होता गया। सैम बड़ा ही कमजोर, मोटा और संगीत को पसंद करने वाला था। उसे हल्के कपड़े पहनना पसंद था और ज्यादातर वक्त वो किले के रसोई में बिताता था। सैम को किताबें, बिल्लियां और नाचना बड़ा पसंद था। खून देखते ही सैम की हालत पतली हो जाती थी। उसके पिता ने कई लोगों को बुलाया सैम के प्रशिक्षण के लिए, ताकि वो एक दिलेर नाइट बन सके, पर हर तरीका बेअसर रहा। उसे मारा गया, पीटा गया, उसकी माँ के कपड़े पहना के चारों ओर घुमाया गया ताकि शर्म के ही कारण वो बुर्जदिली छोड़ दे, पर कोई तरीका काम नहीं आया। धीरे धीरे उसके पिता का गुस्सा बढ़ता गया और सैम उनकी नजरों में गिरता गया। फिर सैम ने आगे बताया कि कई सालों के बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसके बाद से उसके पिता सैम पर ध्यान देना ही छोड़ दिए। वो अपने छोटे बेटे के साथ वक्त बिताने लगे। फिर एक दिन जब सैम का 15वां जन्मदिन था, सैम को उसके घोड़े के साथ बुलाया गया। तीन लोग सैम को हॉर्न हिल के जंगलों में ले गए, जहां सैम के पिता पहले से मौजूद थे। उसके पिता ने सैम से कहा, तुम अब काफी बड़े हो चुके हो और मेरे वारिस भी हो। आज तक तुमने मुझे ऐसा कोई कारण तो नहीं दिया है जिसपे मैं तुम्हें त्याग दूं, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम उस जमीन और उस ओहदे के मालिक बनूं जिसका हकदार तुम्हारा भाई डिकॉन है। मेरी तलवार हार्ट्सबेन उसी को मिलना चाहिए जो उसे हासिल करने का सही हकदार हो, और तुम उस तलवार को हाथ लगाने के काबिल भी नहीं हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम आज से नाइट्स वॉच में जाने का फैसला करोगे
और हर उस संपत्ति को त्याग दोगे जिसपे मेरा और तुम्हारे भाई का हक है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल सुबह मैं शिकार पर निकलूंगा और इन्हीं जंगलों के बीच तुम्हारा घोड़ा फिसल जाएगा और तुम गिरकर मारे जाओगे, या फिर कुछ ऐसा ही मैं तुम्हारी माँ को जाकर बता दूंगा। वो तुमसे बराबर प्यार करती है, इसलिए मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। पर तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि ये इतना आसान होगा। मुझे तुम्हारे जैसे सुअर का शिकार करने से ज्यादा और मजा किसी चीज में नहीं आने वाला। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम नाइट्स वॉच चुनोगे या मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। सैम ये सारी बातें जॉन को बताता है। दोनों थोड़ी देर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, जिसके बाद जॉन सैम को कहता है कि अब उन्हें कॉमन हॉल चलना चाहिए क्योंकि रात में वहां गर्मा गर्म साइडर पीने को मिलता है और कभी कभार तुम्हें डेरियन का गाना भी सुनने को मिल जाएगा। सैम बाकियों से मिलने में अभी भी डर रहा था, इसलिए वो सोने चला जाता है। जॉन जब कॉमन हॉल में वापस आता है तो सभी लड़के उससे पूछते हैं कि वो इतनी देर से कहां था। जॉन उन्हें बताता है कि वो सैम से बात कर रहा था। पिप जॉन से पूछता है कि क्या वो सच में कायर है। जॉन सभी को डांटते हुए कहता है कि सैम का मजाक उड़ाना बंद करो। अब जॉन बाकी लड़कों को समझाता है कि कल से अगर हमें सैम से लड़ने को कहा जाएगा तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसी दिन के बाद से जब भी सर एलिसर किसी भी लड़के को सैम से लड़ने को कहते थे तो हर कोई बस मजाक में हल्के फुल्के वार करता था। चाहे सर एलिसर कितना ही क्यों ना चिल्ला लें और गालियां दे दें, कोई भी उनकी बात नहीं मानता था। धीरे धीरे सैम भी बाकी लड़कों के साथ घुलने मिलने लगा और उनके साथ हंसी मजाक भी करने लगा। अब जॉन को भी समझ आने लगा था कि क्यों उसके अंकल नाइट्स वॉच को अपना परिवार और नाइट्स वॉच के लोगों को अपना भाई कहते थे। यहाँ किंग्स लैंडिंग में सिटी वॉच के कमांडर दरबार में नेड से मिलने आते हैं और बताते हैं कि सम्राट ने जो प्रतियोगिता रखवाई है उस वजह से शहर में काफी मुश्किलें आ रही हैं। प्रतियोगिता की वजह से पूरे वेस्टेरोस से अलग अलग नाइट्स किंग्स लैंडिंग आ रहे हैं। अब हर एक नाइट आता है तो उसके साथ 2 फ्री राइडर्स, 3 क्राफ्ट्समैन, 6 अंगरक्षक, 1 दर्जन व्यापारी, 2 दर्जन वैश्याएं और पता नहीं कितने ही चोर उचक्के आ जाते हैं। इतने लोगों के भरते जाने से शहर संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है माय लॉर्ड। कल ही एक ही दिन में कई घटनाएं और वारदातें हुई हैं जिन्हें रोकना अब मुश्किल हो रहा है। लॉर्ड रेनली कहते हैं, अगर तुम नगर को शांत नहीं रख पा रहे हो जेनोस, तो शायद हमें सिटी वॉच के लिए एक नए कमांडर की जरूरत पड़ेगी। अब कमांडर जेनोस रेनली की बात ना मानते हुए और लोगों की मांग करते हैं। नेड उन्हें और 50 नए लोग दिलवाने की बात रखता है, साथ ही अपने सिपाहियों में से भी 20 लोगों को सिटी वॉच के साथ काम करने की बात कहता है। कमांडर जेनोस नेड को शुक्रिया कहकर वहां से चले जाते हैं। नेड सभा से कहता है कि ये सब जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा रहेगा। मास्टर पाइसल अपनी बात रखते हैं कि इस तरह के प्रतियोगिता से साम्राज्य का नाम होता है और लोग सम्राट की कीर्ति याद रखते हैं। और तभी इन्हीं सब बातों में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। नेड उसमें शामिल नहीं होना चाहता है और रेनली से पूछता है कि मैं आपके भाई स्टैनिस के बारे में सोच रहा था कि वो ड्रैगन स्टोन से कब वापिस आएंगे। अब इस सवाल पर भी लिटिल फिंगर कुछ मजाक कर देता है और नेड गुस्से से सभा छोड़कर टावर ऑफ हैंड में लौट आता है। नेड अपने कमरे में आके जॉरी कैसल को बुलाने का आदेश देता है और विंटरफेल के बारे में सोचने लगता है। जॉरी के आने से पहले अपने कमरे में नेड उस किताब को लेके बैठता है जिसे वो मास्टर पाइसल से मंगवाया था, और जैसा कि मास्टर पाइसल ने कहा था, ये किताब सच में बहुत बड़ी थी। पर नेड ये जानता था कि जॉन एरिन को इस किताब से दिलचस्पी थी, यानी कि वो इस किताब में कुछ तो ढूंढ रहे थे, पर क्या। नेड हाउस लैनिस्टर का पन्ना खोलता है इस उम्मीद में कि उसे कुछ सुराग मिलेंगे। अब लैनिस्टर घराना काफी पुराना घराना था जिसे शुरू किया था लैन द क्लेवर ने। लैन एक चालबाज था जिसने कैस्टरली घराने को कैस्टरली रॉक से बाहर निकाल फेंका था, वो भी सिर्फ अपने बुद्धि के दम पे। नेड कुछ आगे पढ़ता कि तभी जोरी वहां पहुंच जाता है और नेड उसे बताता है कि उसने सिटी वॉच से वादा किया है कि वो अपने 20 आदमी देगा। तो नेड जोरी से उन 20 लोगों को चुन लेने को कहता है। फिर नेड उन 4 लोगों के बारे में पूछता है जिसके बारे में बेलिश ने बताया था। वहां से भी नेड को कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। नेड जोरी से आगे पूछता है कि वो उस लड़के के बारे में क्या हुआ जो अस्तबल में काम करता था, क्या उसने कुछ बताया। जोरी बताता है, उस लड़के का कहना है कि लॉर्ड एरिन काफी तंदुरुस्त थे, वो अक्सर सम्राट के भाई लॉर्ड स्टैनिस के साथ घुड़सवारी के लिए जाया करते थे। अब नेड को ये बात अजीब लगती है क्योंकि एरिन और स्टैनिस कभी इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, और हर बार ये स्टैनिस का नाम क्यों आगे आ रहा था। साथ ही जब रॉबर्ट नॉर्थ विंटरफेल के लिए निकला, उसी वक्त स्टैनिस ड्रैगन स्टोन के लिए क्यों निकल गया, और पता नहीं वो वापिस कब आएगा। नेड आगे जोरी से पूछता है, क्या उसने बताया कि एरिन और स्टैनिस कहां जाया करते थे। जोरी बता
बताता है कि वो अक्सर एक वैश्यालय जाया करते थे। नेड को ये बात और अजीब लगने लग जाती है। लॉर्ड ऑफ ईरी और हैंड ऑफ द किंग एक वैश्यालय में जाए, वो भी स्टैनिस बैराथियन के साथ, ये सुनने में नामुमकिन जैसा लग रहा था। स्टैनिस इस तरह का इंसान नहीं था जो कभी वैश्याओं के पास जाए। नेड जॉरी से पूछता है कि क्या उस लड़के ने बताया कि वो दोनों किस वैश्यालय में जाते थे। जॉरी बताता है कि ये तो उस लड़के को नहीं पता था, पर उसने बताया कि लॉर्ड एरिन तीन सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाते थे, तो शायद उन सिपाहियों को पता हो। नेड समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। लेडी लाइसा, माइस्टर कोलमन और स्टैनिस, हर वो इंसान जो इन सब का जवाब दे सकता था, वो किंग्स लैंडिंग से हजारों कोस दूर था। इन सब के ऊपर नेड ये नहीं समझ पा रहा था कि स्टैनिस जैसा इंसान इन सब मामलों में क्यों घिरता जा रहा है। क्या वो भी जॉन एरिन की मौत में शामिल तो नहीं था, या वो भी इन सब से डर कर कहीं भाग तो नहीं गया है। नेड इस बात को मानना नहीं चाहता था, क्योंकि स्टैनिस वो इंसान है जिसने अकेले स्टॉर्म्स एंड को एक साल तक बचाए रखा था, जब हाउस टायरल और रेड वाइन से स्टॉर्म्स एंड की घेराबंदी कर दी थी। अब लॉर्ड एरिन के वो चारों दासों में से एक ने बताया था कि लॉर्ड एरिन बीच में उस्ताद लोहार से मिलने जाते थे, तो नेड उसी लोहार से मिलने का फैसला करता है। जॉरी नेड से कहता है कि लॉर्ड रेनली स्टैनिस के भाई हैं, शायद वो कुछ जानते हो। नेड कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि एरिन और स्टैनिस रेनली को कभी अपने साथ लेकर जाते होंगे। जॉरी बताता है कि वो लोहार स्ट्रीट ऑफ स्टील में अपनी दुकान के ऊपर के माले में रहता है। नेड सोचता है कि बस ये सुराग गलत ना निकले, क्योंकि वो जानता था कि एरिन उन लोगों में से नहीं है जो बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ आर्मर बनवाता हो, पर वो ये जरूर जानना चाहता था कि एरिन इस लोहार के पास एक ऐसा आर्मर बनवाने क्यों गए थे। जॉरी आखिर में पूछता है कि क्या उसके लिए कोई आदेश है। नेड उसे सारे वैश्यालयों में जाने का आदेश देता है, और उसके बाद नेड अपने घोड़े पर सवार होकर दो सिपाहियों के साथ नगर में निकल पड़ता है। स्ट्रीट ऑफ स्टील एक चौराहे से शुरू होती थी जो कि रिवर गेट के बगल में था। नेड जैसे जैसे नगर में आगे बढ़ रहा था, उसके लिए रास्ते खाली करवाए जा रहे थे, तभी दूसरी तरफ से अलग अलग नाइट्स भी किंग्स लैंडिंग में आ रहे थे, और उनके सेवक भी उनके लिए सड़कें खाली करवा रहे थे। ऐसे ही एक नाइट को नेड ने भी आते हुए देखा। उस नाइट के सेवक रास्ते में सभी को कह रहे थे, रास्ते से हट जाओ, सर बेरिक आ रहे हैं। नेड इस भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ स्ट्रीट ऑफ स्टील में प्रवेश कर जाता है। नेड जानता है कि उन्हें जहां जाना है वो दुकान इस रास्ते के सबसे आखिर में है। नेड जैसे ही वहां पहुंचता है, उस दुकान में मौजूद एक लड़की नेड के सीने पे लगे हाउस स्टार्क के चिन्ह और हैंड ऑफ द किंग के बैज को पहचान लेती है और सीधा अंदर भाग जाती है। उसके बाद उस दुकान का मालिक वो लोहार भागता हुआ बाहर आता है। वो नेड को बैठने की जगह देता है और अपने काम और अपने दुकान की तारीफ नेड को सुनाने लगता है। नेड उसे बीच में नहीं टोकता है। जब वो लोहार बोलना खत्म करता है, तब नेड उससे पूछता है कि क्या उसने एक फैल्कन हेलमेट लॉर्ड एरिन के लिए बनाया था। वो लोहार नेड से कहता है कि लॉर्ड एरिन और लॉर्ड स्टैनिस ने उससे कुछ भी नहीं बनवाया था, वो बस यहाँ एक लड़के को देखने आते थे। नेड पूछता है, कौन लड़का? मैं भी उस लड़के से जरूर मिलना चाहूंगा। वो लोहार नेड को दुकान के अंदर अपने कारखाने में ले जाता है। वो एक लड़के को नेड के पास बुलाता है। वो लड़का तकरीबन रॉब की उम्र का था, पर काफी तंदुरुस्त था। लोहार नेड से कहता है कि ये गेंड्री है, अपनी उम्र से काफी मजबूत है और काफी मेहनती लड़का है। वो आगे उस लड़के से कहता है कि तुम लॉर्ड हैंड को अपना वो हेलमेट क्यों नहीं दिखाते जो तुमने बनाया है। नेड उस हेलमेट को देखकर कहता है कि क्या वो उसे बेचना चाहेगा। गेंड्री उस हेलमेट को नेड के हाथ से छीनते हुए कहता है कि ये हेलमेट बिकाऊ नहीं है। वो लोहार गेंड्री की बदतमीजी के लिए माफी मांगने लगता है, और नेड उसे समझाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो उस लड़के से पूछता है, बताओ गेंड्री, जब लॉर्ड एरिन तुमसे मिलने आते थे तो वो क्या पूछते थे? गेंड्री कहता है, वो बस कुछ सवाल पूछते थे। नेड पूछता है, किस तरह के सवाल? गेंड्री बताता है कि मामूली से सवाल, जैसे कि मैं कैसा हूँ, क्या मेरे साथ यहाँ सही बर्ताव किया जाता है या नहीं, और वो मेरी माँ के बारे में भी पूछते थे कि वो कौन थी, कैसी दिखती थी। नेड पूछता है, तो तुमने क्या बताते थे? गेंड्री जवाब देता है कि वो छोटा ही था जब उसकी माँ गुजर गई थी, उनके सुनहरे बाल थे और वो अक्सर गाने गाया करती थी, और वो एक मैखाने में काम करती थी। नेड पूछता है कि क्या लॉर्ड स्टैनिस भी कोई सवाल करते थे? गेंड्री बताता है कि नहीं, वो कोई सवाल नहीं करते थे। नेड अपने जगह से उठकर कहता है, मेरी तरफ देखो गेंड्री। जब गेंड्री नेड की तरफ देखता है, तो नेड उसके चेहरे, उसके नाक नक्शे को ध्यान से देख रहा होता है और सोचता है, मैं साफ साफ देख सकता हूँ। फिर वो गेंड्री को अपने काम पर लौट जाने को कहता है। इसके बाद नेड उस लोहार से पूछता है कि बताओ,
इस लड़के के यहाँ काम सीखने की रकम कौन देता है। वो लोहार पहले झूठ बोलने की कोशिश करता है कि वो गेंडरी को बिना किसी शुल्क के काम सिखा रहा है, पर बाद में बता देता है कि एक लॉर्ड है जो गेंडरी का बकाया रकम चुका देते हैं। वो अपना नाम कभी नहीं बताते और ना ही उनके कपड़ों पर किसी घराने का चिन्ह रहता है। नेड उस लॉर्ड के बारे में और विस्तार से बताने का आदेश देता है। वो लोहार बताना शुरू करता है कि वो बंदा थोड़ा मोटा सा था, उतना लंबा नहीं था, उसकी दाढ़ी भूरी रंग की थी, वो हमेशा बेशकीमती पोशाक पहनकर आता था और उसकी टोपी उसके चेहरे को ढकी रहती थी, इसलिए वो लोहार कभी उस शख्स का शक्ल नहीं देख पाता था। डर के मारे वो लोहार नेड से कहता है कि वो कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। नेड कहता है, हम में से कोई भी मुसीबत नहीं चाहता, पर ये मुश्किल की घड़ियां हैं। तुम्हें अंदाजा भी है वो लड़का कौन है? वो लोहार कहता है कि वो लड़का बस उसका चेला है और इससे पहले वो जो भी था उसका इससे कोई लेना देना नहीं। नेड लोहार के इस जवाब से खुश हो जाता है और उसे कहता है कि जिस दिन गेंडरी एक तलवार पकड़ने लायक हो जाए उसे मेरे पास भेज देना। नेड जैसे ही वहां से बाहर निकलता है उसका सिपाही उससे पूछता है कि आपको कुछ मिला माय लॉर्ड? नेड कहता है, बहुत कुछ। अपने घोड़े पे बैठते हुए नेड ये सोच रहा था कि आखिर क्यों जॉन एरिन रॉबर्ट के नाजायज बेटे को ढूंढ रहा था और क्यों इसके लिए वो अपनी जान भी गवा दिया। यहाँ दूसरी तरफ केटलिन विंटरफेल के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में जब भी बारिश होती थी तो वो केटलिन को उसके बचपन की याद दिला रही थी कि किस तरह रिवर रन में वो और उसकी बहन लाइसा साथ खेला करते थे। पर सर रॉड्रिक को साउथ की ये बारिश रास नहीं आ रही थी। वो केटलिन से कहते हैं कि उन्हें अब कहीं रुकना चाहिए। केटलिन सर रॉड्रिक को बताती है कि यहां आगे ही एक सराय है जहां पे वो रुक सकते हैं। सर रॉड्रिक कहते हैं कि एक सराय में रुकना खतरनाक हो सकता है अगर कोई उन्हें पहचान ले तो, इसलिए सर रॉड्रिक एक छोटे से घर को ढूंढने की बात कहते हैं। तभी वो दोनों रास्ते में सिपाहियों के आने की शोर और घोड़ों की आवाज सुनते हैं। सर रॉड्रिक चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि यहाँ किंग्स रोड पर भी आप पर खतरा कहीं से भी आ सकता था। दोनों रुककर देखते हैं, वो एक लॉर्ड का कारवां था। उनके परचम को देखकर सर रॉड्रिक और केटलिन समझ जाते हैं कि ये हाउस मैलिस्टर से हैं। सर रॉड्रिक केटलिन को अपना चेहरा ढक लेने को कहते हैं, पर केटलिन कोई हरकत नहीं करती। लॉर्ड जेसन मैलिस्टर उस कारवां में मौजूद थे और उनका बेटा पैट्रिक भी उनके साथ था। अब केटलिन ये जानती थी कि ये सब किंग्स लैंडिंग सम्राट के प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से किंग्स रोड में आवाजाही बहुत बढ़ गई थी। जब लॉर्ड मैलिस्टर केटलिन और सर रॉड्रिक के बगल से गुजरते हैं तो वो उनके तरफ देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। अब हाउस मैलिस्टर असलियत में हाउस टली के बैनरमैन है। सर रॉड्रिक कहते हैं, कमाल है माय लेडी, लॉर्ड मैलिस्टर ने आपको पहचाना नहीं। केटलिन कहती है, क्योंकि लॉर्ड मैलिस्टर को अब दो गरीब मुसाफिर दिखे, उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होगा कि इनमें से एक उनके मालिक लॉर्ड टली की बेटी है। इसलिए चलिए सर रॉड्रिक, उस सराय में हमें कोई नहीं पहचानेगा। शाम ढल चुका था और लगभग अंधेरा हो चला था। केटलिन और सर रॉड्रिक उस सराय में पहुंचते हैं। वहां की मालकिन उन्हें बताती है कि ऊपर के मंजिल में दो कमरे खाली हैं। केटलिन उन दोनों कमरों को ले लेती है। सराय की मालकिन उन्हें बता देती है कि जब रात के खाने की घंटी बजेगी तो आ जाना, वरना खाना नहीं मिलेगा। केटलिन अपने कमरे में बैठे बैठे बाहर उस चौराहे को देख रही होती है जहां वो सराय था। केटलिन सोचती है कि अगर वो अभी पश्चिम का रास्ता पकड़ी तो वो तुरंत रिवर रन पहुंच जाएगी। वो चाहती थी कि अपने पिता को वो सब कुछ बताए कि किस तरह खतरा उन सब पर भी मंडरा रहा है। पर फिर वो सोचती है कि उसके पिता लॉर्ड होस्टर टली भी तो पिछले 2 साल से बीमार हैं और वो ऐसे घड़ी में उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरा रास्ता जो पूर्व की तरफ जा रहा था, केटलिन सोचती है कि अगर वो इधर जाएगी तो कुछ ही वक्त में वो वेल की पहाड़ियों से होते हुए ईरी पहुंच जाएगी जहां उसकी बहन लाइसा है। केटलिन ये जानती थी कि लाइसा उन्हें बहुत कुछ बता सकती है जो नेड की मदद कर सकता है लैनिस्टर्स को हराने में। वो जानती थी कि अगर जंग हुई तो स्टार्क्स को एरिन घराने की मदद जरूर पड़ेगी। पर केटलिन को ये भी याद था कि ईरी तक जाने का रास्ता कितना खतरनाक है, पहाड़ी रास्ते, जंगली जानवर और साथ ही पहाड़ी कबीले जो आते जाते मुसाफिरों को लूट लेते हैं। केटलिन फैसला करती है कि रिवर रन और ईरी अभी इंतजार कर सकता है। उसे सबसे पहले तो अभी नॉर्थ जाना है और जैसे ही वो दी नेक से ऊपर बढ़ेगी तो वो अपना परिचय हाउस स्टार के किसी भी वसल को बता देगी ताकि वो एक दूत आगे विंटरफेल भिजवा सके, जिससे कि नॉर्थ को सुरक्षित करने की तैयारी जल्दी शुरू की जा सके। केटलिन खिड़की से बाहर खेतों को भी देख सकती थी
जहाँ वो सोचती है कि अभी यहाँ से आगे बढ़ते ही एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जहाँ से एक बाजार भी है और यहाँ की किंग्स रोड उत्तर की तरफ ग्रीन फोर्क नदी के साथ चलती है जिसके चारों ओर खेत और उपजाऊ जमीन है जहाँ कई किले हैं और उनमें यहाँ के रिवर लॉर्ड्स रहते हैं। केटलिन उन सभी रिवर लॉर्ड्स को जानती थी जैसे ब्लैक वुड्स और ब्रैकेंस घराना जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और उनकी लड़ाई केटलिन के पिता को ही सुलझानी पड़ती थी। उसके बाद लेडी वेंट जो अपने घराने की आखिरी शख्स थी वो अपने अकेलेपन के साथ अपने हैरन हाल के भूतिया किले में रहती थी। वहीं लॉर्ड फ्रे जिन्होंने अपनी सातों पत्नियों को मरते हुए देखा था उनके ट्विन टावर्स में उनका परिवार इतना बड़ा था जहां उनके बच्चे पोते और उनके भी बच्चे रहा करते थे। ये सब घराने लॉर्ड टली के बैनरमैन थे और केटलिन यही सोच रही होती है कि क्या अगर अब जंग हुआ तो ये उनकी मदद करेंगे या नहीं। केटलिन जानती थी कि अगर जंग हुआ तो उसके पिता अपने बैनरमैन को जरूर बुलाएंगे पर ये बैनरमैन आएंगे या नहीं ये केटलिन को नहीं पता था क्योंकि हाउस टैरी राइगर्स और मूटॉन भले हाउस टली के प्रति ईमानदारी दिखाते थे पर विद्रोह के वक्त वो सभी रेगार की तरफ से लड़े थे। वहीं लॉर्ड फ्रे विद्रोह के बहुत देर बाद अपनी सेना लेके पहुंचे थे और सब यही सोच रहे थे कि लॉर्ड फ्रे अपनी सेना किसके साथ मिलाने के लिए लाए थे इसलिए केटलिन सोचती है कि कुछ भी हो जाए बात जंग तक नहीं आनी चाहिए। तभी सर रॉड्रिक आकर केटलिन से कहते हैं कि उन्हें नीचे खाने के लिए चलना चाहिए। केटलिन सर रॉड्रिक को समझाती है कि जब तक वो नेक को पार ना कर ले उन्हें केटलिन को माई लेडी कहना बंद करना होगा ताकि लोग उन्हें पहचाने नहीं। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि सर रॉड्रिक उनके पिता बनेंगे और केटलिन उनकी बेटी। अब जब वो नीचे आए तो देखे कि यहाँ पे केटलिन के उम्मीद से भी ज्यादा हथियारबंद लोग मौजूद थे। तीन लोग हॉल के कोने में बैठे हुए थे जिन्होंने हाउस ब्रैकन्स का बैच लगाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक और टुकड़ी थी जिनके लोग हाउस फ्रे के चिन्ह वाले नीले कपड़े पहने हुए थे पर केटलिन देखती है कि वो सभी इतने नौजवान थे कि उन्होंने कभी भी केटलिन को नहीं देखा होगा। केटलिन और सर रॉड्रिक हॉल के दूसरी तरफ जाकर बैठते हैं जहां एक गायक अपनी धुन सुना रहा था। वो गायक केटलिन और सर रॉड्रिक से बातें करना शुरू करता है तभी उनका खाना भी आ जाता है। वो गायक उन्हें बताता है कि उसका नाम मैरिलियन है और वो केटलिन और सर रॉड्रिक से बातें जारी रखता है। वो बता रहा होता है कि किस तरह वो आलिया ऑफ ब्रावोस से भी महान गायक है और वो लॉर्ड्स और किंग्स के लिए गाने गाता है। तभी उस सराय में कोई आता है। एक आवाज आती है कि जल्दी से हमारे घोड़ों के लिए कुछ इंतजाम करो और हमारे लॉर्ड लैनिस्टर को एक कमरे की जरूरत है। सर रॉड्रिक समझ जाते हैं कि कौन आया है। केटलिन उन्हें पकड़ लेती है कि अभी कुछ करना सही नहीं होगा। सराय की मालकिन माफी मांग रही होती है क्योंकि उसके पास कोई भी कमरा खाली नहीं था। केटलिन देखती है कि वो चार लोग थे, एक बूढ़ा शख्स जिसने नाइट्स वॉच का काला लिबास पहन रखा था, दो सेवक थे और फिर वो इंसान था जिसकी केटलिन ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो शख्स सराय की मालकिन से कहता है कि उसके लोग अस्तबल में भी सो जाएंगे और वो खुद कहीं पे भी सो जाएगा। सराय की मालकिन कह रही होती है कि आजकल कोई जगह खाली नहीं है। तभी टिरियन अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और उस कमरे में जोर से उछाल देता है। केटलिन देखकर समझ जाती है कि वो एक सोने का सिक्का था। वो सिक्का देखते ही एक फ्री राइडर टिरियन के पैरों पर गिर पड़ता है कि आप मेरा कमरा ले सकते हैं मालिक। टिरियन वो सिक्का उस फ्री राइडर को देते हुए कहता है अब तुम एक समझदार इंसान हो। टिरियन फिर सराय की मालकिन की तरफ मुड़ता है और आदेश देता है कि उसके और उसके लोगों के लिए कुछ खाने को लाया जाए। टिरियन को देखकर केटलिन का गुस्सा रुक नहीं रहा था। टिरियन योरेन को अपने साथ खाने के लिए बिठाता है। वो हॉल इतने लोगों से भरा हुआ था कि टिरियन केटलिन को नहीं देख पा रहा था। तभी वो गायक मैरिलियन टिरियन के पास दौड़ता हुआ पहुंच जाता है और कहता है कि वो उसे अपने गाने से उसका मनोरंजन करने का आदेश दे दे। टिरियन उस गायक की बात नहीं मानता पर जैसे ही वो उस गायक से अपनी आंखें हटाता है उसे हॉल के दूसरे कोने में बैठी केटलिन दिख जाती है। टिरियन थोड़ी देर सोचता है फिर थोड़ा संदेह में रहता है। केटलिन अपना चेहरा घुमा लेती है पर अब तक काफी देर हो चुका था। टिरियन जोर से कहता है लेडी स्टार्क आपसे अचानक मिलकर खुशी हुई, माफ कीजिएगा मैं आपसे विंटरफेल में नहीं मिल पाया। अब ये नाम सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सब केटलिन को देख रहे थे। सर रॉड्रिक मन ही मन टिरियन को गालियां दे रहे थे। केटलिन उस हॉल के चारों ओर देखती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से वो बोल पड़ती है तुम जो कोने में बैठे हुए हो क्या वो हैरन हाल के ब्लैक बैट का चिन्ह है सर। वो शख्स उठकर कहता है जी माय लेडी। केटलिन उसी शख्स से आगे पूछती है और क्या लेडी वेंट आज भी मेरे पिता लॉर्ड होस्टर टली के प्रति वफादारी रखती हैं? वो शख्स कहता है जी माय लेडी। तब तक सर रॉड्रिक भी अपने जगह से उठते हैं और अपनी तलवार म्यान से निकाल लेते हैं। टिरियन सब कुछ देख तो रहा था पर वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी केटलिन आग के पास बैठे तीनों लोगों से कहती है एक लाल घोड़ा रिवर रन में हमेशा से शुभ माना जाता है और मेरे पिता जोनोस ब्रैकन को हमेशा से अपना सबसे वफादार बैनरमैन
कारण मानते हैं। वो तीनों जवाब देते हैं कि उनके लॉर्ड ब्रैकन लॉर्ड टली के इस भरोसे से खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। टिरियन कहता है, मैं आपके पिता के इन दोस्तों के बारे में जानता हूँ माय लेडी, पर मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि आप ये कर क्या रही हैं। केटलिन टिरियन के बातों को अनसुना कर देती है और वो उन 20 लोगों की तरफ मुड़ती है जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे चिन्ह को भी पहचानती हूँ, ये ट्विन टावर्स है लॉर्ड फ्रे का। तुम्हारे लॉर्ड कैसे हैं? उस दल का कप्तान उठकर कहता है, लॉर्ड वाल्डर बिल्कुल स्वस्थ है माय लेडी। केटलिन अब ये समझ जाती है कि अब ये लैनिस्टर फंस चुका है। वो जोर से कहती है, ये शख्स मेरे घर मेहमान बनकर आया और फिर मेरे बेटे को जान से मारने का षड्यंत्र रचा, जो अभी सिर्फ 7 साल का है। सर रॉड्रिक भी अपने जगह से आगे बढ़ते हैं और पीछे से केटलिन कहती है, सम्राट रॉबर्ट और आप सबके सम्मानित लॉर्ड्स के नाम पे मैं आप सबको आदेश देती हूँ कि इस शख्स को गिरफ्तार कर मुझे इसे विंटरफेल ले जाने में मदद करिए, जहाँ सम्राट का न्याय इसका इंतजार करेगा। अब ये कहते ही उस डाइनिंग हॉल का जो मंजर था कि केटलिन ये समझ नहीं पाई कि उसे क्या ज्यादा अच्छा लग रहा था, उतनी सारी तलवारें एक साथ निकलने की आवाज या टिरियन के चेहरे पे वो डर का एहसास।